मंगला टाइम टीवी के सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। कभी वो यशोदा मैया के लाल होते हैं तो कभी ब्रज के नटखट खाना। जन्माष्टमी पर्व को भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। वे युगों युगों से हमारी आस्था के केंद्र रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भाद्रपद माह के कृष्ण जन्माष्टमी की अष्टमी तिथि को भगवान के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण भगवान देवकी और वासुदेव के आठवें पुत्र थे। मथुरा नगरी का राजा कंस था, जो कि बहुत ही अत्याचारी था। उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। एक समय आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का आठवां पुत्र उसका वध करेगा। ये सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी को उसके पति वासुदेव सहित कालकोठरी में डाल दिया। कंस ने देवकी के कृष्ण से पहले के सात बच्चों को भी मार डाला। जब देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया तो भगवान विष्णु ने वासुदेव को आदेश दिया कि वे श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा माता और नंद बाबा के यहाँ पर पहुँचा आए, जहाँ वे अपने मामा कंस से सुरक्षित रह सकेंगे। श्री कृष्ण का पालन पोषण यशोदा माता और नंद बाबा की देखरेख में हुआ। उनके जन्म की खुशी में तभी से प्रति वर्ष जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। दर्शकों, कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार करीब आ गया है और कृष्ण भक्तों ने जन्माष्टमी की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन कुछ लोगों में इस बात को लेकर उलझन है कि कृष्ण जन्माष्टमी किस तारीख को मनाई जाएगी। कुछ लोगों का मानना है कि कृष्ण जन्माष्टमी 2 सितंबर को मनाई जा रही है और वहीं कुछ 3 सितंबर को मनाने की बात कह रहे हैं। क्या है शुभ मुहूर्त, आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि को कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए हर साल इसी तिथि पर और इसी नक्षत्र में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस बार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी रात्रि 8:47 से शुरू होकर अगले दिन 3 सितंबर को रात्रि 8:04 पर समाप्त हो जाएगी। 2 सितंबर को सामर्थ कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे और 3 सितंबर को वैष्णवों के लिए कृष्ण जन्मोत्सव का त्यौहार मनाया जाएगा। जन्माष्टमी निषिद्ध काल पूजन का समय 2 सितंबर मध्य रात्रि 11:57 से 12:48 तक शुभ मुहूर्त है। वहीं ग्रस्त लोग 2 सितंबर को ही कृष्ण जन्माष्टमी 2018 का व्रत करेंगे। जन्माष्टमी के दिन निशिता पूजा का समय रात 11:57 से 12:43 तक रहेगा। दर्शकों, धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने से सभी तरह के दुखों का नाश होता है। वो कौन से उपाय हैं जो आपकी जिंदगी की सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं? जी हाँ, आज के दिन यदि आप भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी, जो माँ लक्ष्मी का अवतार है, उनके निमित्त कुछ उपाय किए जाएं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। इन उपायों के करने से आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी, साथ ही कर्ज से मुक्ति भी मिल सकती है। तो आइए जानते हैं कि इस दिन आप कौन से उपाय कर सकते हैं और वो उपाय क्या हैं। बात करते हैं सबसे पहले उपाय की, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आमदनी में बढ़ोतरी के लिए आप क्या कर सकते हैं। जी हाँ, इस दिन आपको नौकरी में यदि प्रमोशन चाहिए या फिर आमदनी आपकी कम है, बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो आप जन्माष्टमी के दिन 7 कन्याओं को बुलाकर खीर खिलाएं। ऐसा लगातार आप 5 शुक्रवार तक करते रहें, इससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। दर्शकों, बात करते हैं हम दूसरे उपाय की। जन्माष्टमी के दिन हम वो कौन सा उपाय है, दूसरा उपाय कौन सा है जो कर सकते हैं और उसके करने से हमें भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिल सकता है। दोस्तों, इस दिन हमें जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना है और भगवान को पीले फूल अर्पित करने हैं। भगवान से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, फिर भी उनको अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताएं। उनसे धन लाभ के योग जो है प्रबल होते हैं यदि आप उनसे प्रार्थना करते हैं। बात करते हैं तीसरे उपाय की। जन्माष्टमी के दिन दक्षिणवर्ती शंख को लीजिए और उसमें जल भर लीजिए, भगवान कृष्ण का उससे अभिषेक कीजिए। साथ ही आप इस उपाय को हर शुक्रवार भी कर सकते हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जल्द प्रसन्न होती हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। और इसी के साथ बात करते हैं चौथे उपाय की। जन्माष्टमी पर
केले के दो पौधे लगाएं और उनको रोज जो है जल दें, उनकी देखभाल करें। साथ ही हर शुक्रवार को केले के पौधे की पूजा करें। जब पौधा फल देने लगे तो उन फलों का दान करें, स्वयं ना खाएं। इससे लक्ष्मी माता की कृपा आप पर बनी रहेगी। और अब बात करते हैं मंत्र जाप की। इसी दिन हमें किस मंत्र का जाप करना चाहिए, ये अब मैं आपको बताती हूँ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें, इससे आपकी हर समस्या का समाधान होगा। तो दर्शकों, ये थे हमारे उपाय जो जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर हमें करने चाहिए। इसके साथ ही यदि आप भगवान का व्रत कर रहे हैं तो आपको कुछ चीजों का ध्यान भी रखना होगा, जैसे मांस मदिरा से बचें, गुस्सा ना करें, साथ ही खुद पर संयम रखें। और एक जरूरी बात है, आप पूजा कर रहे हैं तो उसमें क्या करना है, आपको तुलसी का भोग भगवान को अवश्य लगाना है। और घर में यदि कोई पुरानी मूर्ति है तो उसे जल प्रवाह कर दें। तो ये थी हमारी खास पेशकश, फिर हाजिर होंगे आपके पास। नमस्कार।